हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे सीबीसी के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसकी स्थापना की बात करें हम लोग तो फरवरी 1964 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? फरवरी 1964 में। के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसकी स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु स्थापना की गई अब केंद्रीय सतर्कता आयोग की। 1988 में, कब? 1988 में सांविधिक दर्जा देकर एक बहु सदस्यीय आयोग बनाया गया। याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। इसके जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव तो कौन थे? नितोर श्रीनिवासव राव। और करेंट में कौन है? के बी चौधरी। के बी चौधरी, याद रखिए, ये बदलते रहते हैं। तो आप लोगों को जब भी पेपर देने जा रहे हो या जब भी इंटरव्यू कहीं भी जा रहे हो तो आप इसे देख लिया करिए, क्योंकि करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे तो इसकी आपकी पूर्ति होती रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके आयोग की संरचना की। केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना देखते हैं। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, इसमें दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, एक समिति की सिफारिश पर। इस समिति में कौन रहता है? अध्यक्ष, इसके पीएम रहते हैं, और सदस्य रहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, लोकसभा और विपक्ष का, लोकसभा में विपक्ष का नेता रहता है। तो याद रखिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर। उस समिति में कौन कौन लोग शामिल रहते हैं? अध्यक्ष के तौर पर समिति का अध्यक्ष पीएम होता है, प्रधानमंत्री। इसके सदस्य होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर, और लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है। अब बात करें इसके कार्यकाल की, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। कार्यकाल खत्म होने के पश्चात केंद्र या राज्य के पद के योग्य नहीं हो सकते, इन्हें किसी भी केंद्र या राज्य के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी संरचना। अब इनको हटाने की बात करते हैं, किस तरह से इनको हटाया जाता है। इन्हें हटाता भी आपका राष्ट्रपति है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति। किन किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है? दिवालिया घोषित हो या फिर केंद्र सरकार की निगाह में नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में दोषी पाया गया हो, या फिर आपका यदि वह अपने कार्यकाल या कार्य क्षेत्र से बाहर से किसी प्रकार के लाभ के पद को ग्रहण करता हो, तब भी उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के अनुसार यदि वह मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, तब भी उसे हटाया जा सकता है। यदि वह आर्थिक या अन्य प्रकार का लाभ प्राप्त करता हो जिससे कि आयोग के कार्य में वह पूर्वाग्रह से युक्त हो, तब भी उसे हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग यही, इसके अतिरिक्त, इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति ने उनके दुराचरण और अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय को उच्च न्यायालय, क्या? उच्चतम न्यायालय को भेजना होगा। उच्चतम न्यायालय आपका सलाह क्या करेगा? जांच करेगा इसकी, और आरोप सही होता है तो राष्ट्रपति हटा सकता है। किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, याद रखना। आयुक्तों के वेतन, जो आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें यूपीएससी के अध्यक्ष, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के समान होते हैं।
व अन्य आयुक्तों की के वेतन भत्ते और सेवा यूपीएससी के सदस्यों के समान होते हैं। नियुक्ति के उपरांत अलाभकारी परिवर्तन होता है। नियुक्ति होने के बाद कोई भी इनके अलाभकारी परिवर्तन यानी कि लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों की। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके किसी प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया हो, इसका कार्य शामिल है। और कार्य देखें इसके, तो केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए किसी संदर्भ पर जांच करना या फिर करवाना, केंद्रीय सरकार या फिर इसके संगठनों को ऐसे मामलों पर सलाह देना जो इसके द्वारा आयोग को भेजे जाएं, किसी भी जांच का संचालन करते समय आयोग को सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। तो ये था आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC। अब बात करेंगे द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के बारे में, टेरिक के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इसे।